चलो अब हमने एक और काम कि सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों ने हमने पढ़ना कैसे है देखिए। इसमें मेरे कुछ स्टडी नोट्स हैं जो मैंने वेबसाइट पे दिए हैं, क्योंकि आप सब लोगों को डिमांड होती है ना कि सर बुक्स बता दें कौन सी बुक है। तो बुक्स के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा स्टडी नोट्स। ठीक, इस स्टडी नोट्स के लिए आपको ऑनलाइन दूंगा और वो इस तरह से होगा कि एक साइट है गूगल की, आप गूगल पे लिखेंगे साइट्स डॉट गूगल डॉट कॉम स्लैश व्यू स्लैश मेरा पूरा नाम शादुल हक। नजर आ रहा है ये साफ आप लोगों को? मैं हट रहा हूं, देखिए ये आप मोबाइल पर भी खोल सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं, जब आप मोबाइल पर भी खोल सकते हैं और इस पे भी, देखिए किस तरह की साइट्स होगी। ये देखें, ये इस तरह के आपके मोबाइल पर और कंप्यूटर पे खुलेगी। यहां पर इस एड्रेस बार में आप देखिए, यहां लिखना है आपको ये साइट्स डॉट गूगल डॉट कॉम स्लैश व्यू स्लैश शादुलाक। जब आप मुझे मैसेज कर देंगे तब मैं ये साइट्स आपके साथ और शेयर कर लूंगा एड्रेस। तो अगर किसी को एड्रेस लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो, ना आ रहा हो, तो वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इस पर जाने के बाद यहाँ पर बार आ रहा होगा, इसको आप करेंगे तो ये पेज नंबर खुल जाएंगे। ये देखिए इस पेज नंबर में नजर आ रहा है, यहाँ पर एक बीकॉम पार्ट वन का है और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर है। आप बीकॉम पार्ट वन को क्लिक करेंगे, इस तरह से बीकॉम पार्ट वन का आपके पास साइट खुल जाएगी। इस साइट में ये पहला चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग। इसमें वैसे सारे मौजूद हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन अभी आप इसको सबको नहीं, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। इस वक्त आपने ये बेसिक अकाउंटिंग में इस जगह पर पहला ऑप्शन है बेसिक अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट वन स्टडी नोट्स। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे जब आप, तो आपके पास एक पीडीएफ फॉर्म में इस तरह से खुल जाएगा आपके पास ये। बल्कि दोबारा खोलता हूं, एक मिनट। ठीक है, ये पेज आपके पास खुल जाएगा। इसको आप बेसिक अकाउंटिंग के पूरे नोट्स हैं इसके अंदर मौजूद लाइन से, ये देखें, ये आप चाहें तो अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। ठीक है, और अगर हो तो इसका एक प्रिंटआउट लेकर आप अपने पास स्टडी के लिए सामने रखें। ये सारे नोट्स हैं। ठीक है, ये सारा इसके अंदर सारी थ्योरी मौजूद है फर्स्ट ईयर की, जो के बेसिक है, ये बेसिक अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट वाले हैं। ठीक है, मैं जरा जानना चाहता हूँ, जरा जवाब दीजिए, समझ में आ रही है मेरी बातें या मुझे कुछ और करना है? चैट बॉक्स में जवाब दीजिए, समझ में आया? ओके, खास तमाम बच्चों के लिए है ये। तो इस साइट पर आप लॉगिन होकर इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसकी और अच्छी बात क्या है कि इसमें जो क्वेश्चन आंसर होंगे इसी के नीचे आप देखिएगा एक और वेबसाइट के साथ एक और बटन बना हुआ है, तो जो क्वेश्चंस होते हैं होंगे नोट्स के, उसका ये नीचे सोल्यूशन भी मौजूद होगा। ठीक है, देखिए नीचे सोल्यूशन है इसके सारे, लेकिन अभी आप लोगों ने सोल्यूशन को डाउनलोड या सोल्यूशन को ना देखिएगा। जब हम काम करने देंगे और आप पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे तो फिर उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन की तरफ ले जाऊंगा। बोले, आगे बात समझ में? सबसे पहला काम, इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, मैं आपका नंबर सेव करके एक अपना
और आपका व्हाट्सएप ग्रुप दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बना लूंगा, ताकि उस ग्रुप पे जो आपके क्वेश्चंस होंगे, जो आपकी इंट्रोडक्शन होगी, वो सारी चीजें मौजूद होंगी। उसके बाद मैं आप पहले आपने सिर्फ नंबर भेजना है, जब ग्रुप बना लूं तब आपने अपना इंट्रोडक्शन भेजना है उसके ऊपर, ताकि मेरे पास सेव रहे। और फिर स्टडी नोट्स के लिए मैंने आपको ये साइट बताई है, इस साइट पर आपको नोट्स मिलेंगे, उन नोट्स को आप डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट आउट निकाल के रखते जाइएगा। तो फिर मैं शुरू करूंगा। बोले यहां तक बात समझ में आ गई? अब लाइन ऑफ एक्शन, तो थोड़ा सा और मैं इसके आगे चलना चाहता हूं। अब आप इजाजत दीजिए कि अगर समझ में आ गई है तो मैं आगे स्टार्ट करूं। ओके, ओके, मैं बोर्ड अब साफ कर रहा हूं, ठीक है, सब चीजें नोट कर ली होंगी आप लोगों ने। नाउ अगेन, मैंने जैसा कहा था कि थोड़ा सा बेसिक से ही चलेंगे। तो देखो, लास्ट क्लास मैंने आपकी खत्म की थी कि जब मैंने आपको पहली बात बताई थी कि आपने पढ़ना है तो पहले आपको मालूम होना चाहिए अकाउंटिंग पढ़ने के लिए बिजनेस के बारे में। बिजनेस हमने कहा था एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन टू अर्न प्रॉफिट, उसको बिजनेस कहा। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस लिखवाए थे। टाइप्स ऑफ बिजनेस में तीन टाइप्स बताए थे। बोर्ड विजिबल है? बिल्कुल सही है, नजर आ रहा है आप लोगों को? ओके, मैं जरा मार्कर भी मंगवा लूं, थोड़ा सा अच्छे कलर का, ये थोड़ा सा बेटा मार्कर ला दो जरा मुझे, इसमें इंक थोड़ी कम है। इसमें अब टाइप्स ऑफ बिजनेस में मैंने आप लोगों को लिख के दिया था ट्रेडिंग बिजनेस, सर्विस बिजनेस, और तीसरा था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है, यहां तक आपको बताया। अब आज आगे सुनिए, जिसे कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरी बात एक बात अच्छी तरह आप लोग समझिए तमाम लोग। देखिए बेटा, मैंने अभी आपसे पूछा आप इंटर साइंस से हैं, इंटर कॉमर्स से हैं, आप लोगों ने एक लिस्ट बता देनी है मुझे कि सर मैं इंटर साइंस हूं, कॉमर्स से। चाहे आप इंटर साइंस से हो, चाहे आप इंटर कॉमर्स से, देखो कॉमर्स वालों ने पढ़ा हुआ होगा, कुछ ना कुछ आता होगा, अच्छा आता होगा, बुरा आता होगा, थोड़ा आता होगा या ज्यादा आता होगा, दोनों में से एक बात होगी। आपका सबसे पहला काम याद रखिए कि सबसे बड़ी चीज यह है कि जब आप अकाउंटिंग आप पढ़ने जा रहे हैं तो अकाउंटिंग के अब अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जैसे कहते हैं ना ब्लेसिंग डिस्गाइज, यानी क्या मतलब कि किसी ना किसी जहमत में कोई रहमत भी छुपी हुई होती है। तो इस वक्त जो हमारे सामने एक मुसीबत है कि आप मेरे सामने मौजूद नहीं है, क्लास में नहीं है, इसको ये भी समझिए कि अभी आपके पास टाइम बहुत है। यानी आप ये नहीं है कि मुझे पता है कि 4 महीने बाद इम्तिहान है, 6 महीने बाद इम्तिहान है, मैं जहाज बना के उड़ा के आपको पढ़ाने लग जाऊं। मेरी कोशिश है और आपकी भी होनी चाहिए कि आप सिर्फ अकाउंटिंग को सिर्फ एज अ सब्जेक्ट इम्तिहान में पास करने के लिए नहीं पढ़े। अभी हम ये मेहनत करते हैं कि हम और आप मिलकर कोशिश करते हैं कि जितना भी कॉन्सेप्ट्स है उसको ग्रिप करें। देखो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी तुम आगे बढ़ोगे, काम करोगे, तो जब तक बेसिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, कभी भी अच्छे तरीके से अकाउंटिंग नहीं आएगी। हम पढ़ते हुए जर्नल एंट्री बना लेते हैं, लेजर बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, जो पढ़े हुए बच्चे हैं, मगर प्रॉपर तरीकेकार नहीं पता होता। यानी एक एंट्री आपको रटी हुई होगी, बहुत से बच्चे एंट्री याद है जी, क्या ऑनर इन्वेस्टेड कैश, धड़ से एंट्री बनाएंगे सर आती है क्या, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। लेकिन बेटा कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट जो एंट्री है उसकी वजह क्या है, क्यों कैश डेबिट हो रहा है, क्यों कैपिटल क्रेडिट हो रहा है,
आपको स्टेप्स आते हैं एनालिसिस के, ये सारी चीजें इस दफा मैं सिखाऊंगा। तो वो बुक जो मैं दे रहा हूं उसमें वो सारी थ्योरीज, वो सारी लिटरेचर जो एक इनिशियल स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, वो उसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए रखा है। बहुत जरूरी है कि आप उसका वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़िए उसको, और पढ़िए इसलिए कि देखो ये जो पढ़ाने वाला ये स्टाइल जिसको तुम लोग वाकिफ हो गए, क्लास में बैठे होते थे, टीचर पढ़ा रहा होता था, बेटा अब तुम इससे ऊपर जा रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें, ये क्लास, ये चीजें से निकलना है अब तुमने। तुम्हारे अंदर ऐसी एबिलिटी आनी चाहिए कि तुम चीजों को किताबों से, मुख्तलिफ जगह से पढ़कर सीख सको। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो नोट्स मैं दे रहा हूं उसको वर्ड बाई वर्ड पढ़ना, ताकि उसके एक एक लफ्ज से तुम सीखने की कोशिश करो, और एक अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करो कि तुम्हें किताबों से पढ़ने और सीखने की आदत हो, बजाय इसके कि हर चीज टीचर सिखाए तो समझ में आए। हाँ, टीचर से पूछो ताकि उस चीज को और ज्यादा आपके पॉलिश कर दे, यानी मैं आपको पॉलिश करूं, बेसिक आप वहां से उठा सके। तो वो नोट्स आपने सारे उतार कर पढ़ने हैं। अब सुनिए जरा, बिजनेस की डेफिनेशन हो गई थी, टाइप्स मैंने आपको बताए, ट्रेडिंग, सर्विस, यानी इस तरह के बिजनेस थे। अब इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि यार ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जब बिजनेस को चलाने की बात होती है तो बिजनेस को ऑर्गेनाइज यानी चलाया कैसे जाएगा, किस तरह उसको मेंटेन किया जाएगा, तो इसमें भी तीन टाइप्स आती है। क्या? पहली एक जिसको प्रोप्राइटरशिप या आसानी की खातिर यू लिखते हैं, सोल ऑनरशिप। दूसरी क्या है? पार्टनरशिप। और तीसरी है जिसको कहते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब ये बातें क्यों जानना जरूरी, थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं, मेरा ख्याल है नजर नहीं आ रहा, एक मिनट सब्र का। लास्ट वाली लाइन आप लोगों को नजर नहीं आ रही है ना? मैं इसको बराबर में लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा पीछे वाली थर्ड लाइन, ये जो थर्ड लाइन है मैं यहां लिख देता हूं। अब इसको मैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। अब देखो, समझो ये, इन सब चीजों को समझना क्यों जरूरी है, इसलिए कि जब हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो ये तमाम आइटम या अकाउंटिंग के हिसाब, इनके हिसाब से अकाउंटिंग में तब्दीलियां आती है। अब सोल ऑनरशिप बिजनेस का वो हिस्सा, वो बिजनेस जो चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे सर्विस हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, लेकिन उसमें सोल का मतलब होता है वाहिद, सिर्फ एक बंदा जो हो वो बिजनेस का क्या हो, ऑनर हो। एक बंदा ऑनर होता है, ओनली वन ऑनर। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग, यानी आप कम से कम दो लोगों से मिलकर पार्टनरशिप का बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तादाद 20 लोगों की हो सकती है। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे तय होगा कि 20 लोगों का है, तो देखो आप पूरी दुनिया को पार्टनर बना लो अपने साथ, लेकिन दुनिया में कोई भी काम होता है तो उस काम के लिए कुछ असूल, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो पाकिस्तान के अंदर जो एक रूल फॉलो होता है उसको कहते हैं पार्टनरशिप का एक्ट है 1932 का, यानी पार्टनरशिप का कानून। उस कानून के मुताबिक, 1932 ब्रिटिश इंडिया के दौर का है, ये कानून के मुताबिक हम कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा 20 लोग रख सकते हैं। और मुल्कों में मुख्तलिफ है, बास जगहों पे 7 भी होते हैं, 20 10 का भी है, लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क के हिसाब से सबसे ये है।
और आखिरी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है, इसमें अगर ऐसे देखा जाए तो इसके अंदर ऑनर्स की तादाद नॉर्मल हालात में या एक बड़े उसमें अनलिमिटेड होती है। क्या मतलब कि इसमें जितने चाहे आप ज्यादा से ज्यादा ऑनर रख सकते हैं होते हैं। हाँ, इसमें भी होता है सिंगल ऑनर और ये, लेकिन ये एक हाई फॉर्म है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस करने का। तफसील जरा सा, आप बहुत ज्यादा इसकी तफसील आपके पास, जो लोग कॉमर्स के हैं उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स में पढ़ा होगा, और यहाँ ही उसके जैसा एक दूसरा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ITB, उसमें ये तीनों चीजें बहुत डिटेल से पढ़ाई जाएंगी। हमें यहाँ इस तरह डिस्कस इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि ये तीनों चीजें हमारे अकाउंटिंग के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है। तो अब यहाँ पे बात को जरा सा लिंक कर दूं, बिजनेस, बिजनेस के टाइप्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बिजनेस समझने के बाद अब हमें बढ़ना है किसकी तरफ, जो मेन हमारा चीज है जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कौन क्या है, अकाउंटिंग कैसे आया, ठीक है। देखो बेटा, बेसिकली अकाउंटिंग का ताल्लुक, ये बात तय हो गई अभी हमारे डिस्कशन से, किससे है, बिजनेस की फील्ड से। जब मैं अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू करता हूं तो सबसे पहले बच्चों को ये बोलता हूं कि याद करो, आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर और 9 वगैरह में जब साइंस पढ़ी थी तो उसमें एक चैप्टर होता था स्टार्ट में हमेशा, और वो चैप्टर होता था कि मुस्लिम साइंटिस्ट के कारनामे, जिसमें आपको बताया जाता था कि यार जो साइंस है उसकी इजाद या उसका स्टार्ट मुस्लिम दुनिया से हुआ। अगर मैं आपसे ये पूछूं या कहूं कि अकाउंटिंग का आगाज जो है वो कहां से हुआ, हमें भी अकाउंटिंग के बारे में मालूम होना चाहिए। आप मेरे वेबसाइट पर जाइएगा तो वेबसाइट पर आपको एक पेज नजर आएगा दूसरे पेजेस के साथ प्रेजेंटेशन एंड वीडियोस का, उसमें एक वीडियो है यूट्यूब की अपलोड की हुई जो कि बताएगी आपको हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग कहां से। मैं अभी आपको साबित करता हूं कि देखिए हमारे से इस्लाम से कैसे अकाउंटिंग का ताल्लुक। आप याद कीजिए, ऐसे कहा गया कि अकाउंटिंग का ताल्लुक किससे है, बिजनेस से। बिजनेस की एक काइंड है जिसको क्या कहते हैं, ट्रेडिंग, यानी ट्रेड, तिजारत। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यार आपके प्यारे रसूल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा क्या था, तो मेरा ख्याल है आप में से सब लोग जवाब फौरी तौर पर देंगे उनका पेशा तिजारत था। तो सोचो जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेडिंग करते थे तो क्या होता था, बिजनेस होता था, और जहां वो बिजनेस करते होंगे तो वहां पर ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट मालूम करने के लिए भी सब्जेक्ट कौन सा आता है, अकाउंटिंग आता है। तो आज से पहले हमारे हमारा जो रसूल थे, हमारे जो नबी थे, उन्होंने ये पेशा किया और उन्होंने ये पेशा अख्तियार किया था, और लाजमी बात है कि ठीक है आज की तरह की अकाउंटिंग वो नहीं करते होंगे, लेकिन बेटा वही पर्पस जो हम किसी और तरह से सॉल्व कर रहे हैं उसमें भी ये पर्पस सॉल्व होता होगा। तो लाजमी सी बात है ये सब्जेक्ट भी हमारे ही से बिलोंग करता है, क्योंकि हमारे रसूल ने सबसे फेवरेट जो अपने माश का जरिया फील किया था वो बिजनेस था, तिजारत था, और उसमें लाजमी सी बात है जो भी करेगा वो उसकी क्या करेगा, अकाउंटिंग करेगा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा था, वो वीडियो देख लीजिएगा आपको मजा आएगा उसमें, उसको 2-3 दफा देखिएगा, इंग्लिश में बहुत तेज है तो उसको सुनिएगा गौर से उसकी वर्डिंग को, तो मालूम होगा कि कहां से शुरू हुआ। अब आते हैं अकाउंटिंग के ऊपर। तो देखो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट